बुद्ध द वे ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। विपस्ना मेडिटेशन का यह थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि विपस्ना मेडिटेशन कैसे करते हैं और आपके ब्रीथ और थॉट्स का क्या रिलेशन है। सेकंड पार्ट में हमने जाना कि विपस्ना मेडिटेशन के दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और अब इस वीडियो में हम विपस्ना मेडिटेशन को और डिटेल में जानेंगे। हम सीखेंगे विपस्ना मेडिटेशन की 3 टेक्निक्स, तो आइए शुरू करते हैं। अपने हर काम, अपने शरीर, अपने मन और अपने हृदय के प्रति सजगता। चलो तो होश के साथ चलो, हाथ हिलाओ तो होश के साथ हाथ हिलाओ। ये जानते हुए कि तुम हाथ हिला रहे हो, तुम यंत्र की तरह भी बिना होश के चल सकते हो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ कॉन्शियस होकर सब काम करो। तुम्हारा ध्यान पूर्ण रूप से अपने कार्य में लगाने से बिन जरूरी विचारों का आना कम हो जाता है। खाते समय अपने हर एक गतिविधि के प्रति सजग रहो, खाने की खुशबू से लेकर उसका रंग और स्वाद के प्रति सजगता। एक बार यह ट्राई करके देखना, आप देखोगे कि ऐसा स्वाद और आनंद आपने कभी फील किया नहीं होगा। ठीक ऐसा ही आप अपने मन के साथ करो। आपके मन के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखो, उसके प्रति कोई भी रिएक्शन मत दो। जो भी भाव उठ रहे हैं उसको देखो और उसके प्रति कोई भी रिएक्शन मत देना। यह है श्वास की विधि, श्वास के प्रति सजग होना। जैसे ही आप इन्हेलेशन करते हो तुम्हारा पेट ऊपर उठने लगता है, और जब एक्सेलेशन करते हो तो पेट फिर से नीचे बैठने लगता है। तो दूसरी विधि है पेट के प्रति उसके उठने और गिरने के प्रति सजग हो जाना, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। ये टेक्निक फर्स्ट टेक्निक से सरल है। फर्स्ट टेक्निक में आपको अपने शरीर, मन और भाव के प्रति हर पल कॉन्शियस रहना है, जबकि ये टेक्निक थोड़ी सी सरल है। थर्ड टेक्निक के बारे में हमने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में ही जानकारी ले ली थी, और वो सबसे बेसिक मेडिटेशन है। आप ऊपर दिखाए गए आई बटन पर क्लिक करके थर्ड टेक्निक को सीख सकते हो। ये 3 टेक्निक्स जो हमने सीखी है वो अलग अलग ध्यान पद्धति नहीं है, ये विपस्ना मेडिटेशन ही है, लेकिन हम उसे इजीली समझ पाए इसीलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप 3 टेक्निक्स एक साथ भी कर सकते हो। आपको जो भी टेक्निक सही लगे वो आप शुरू करो।